दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं माधुरी पत्रिका की एक संपादकीय। ये संपादकीय जून 1931 में प्रकाशित हुई थी, जिसे बाद में प्रेमव्रत जी ने 7 खंडों में माधुरी और चांद का जो संकलन किया हुआ है उसी में संकलित है। ये माधुरी चयन खंड 4 के नाम से जो संकलन है उसी में संकलित है। तो आइए सुनते हैं इस संपादकीय को, जिसका शीर्षक है अन्नदाता किसानों पर घोर संकट। ये ध्यान रहे कि ये संपादकीय 1931 में लिखी गई थी और आज हम 2021 में उसका पाठ कर रहे हैं। तो जो कुछ बातें उस समय कही गई थी, क्या किसानों को लेकर के जो आज बातें कही जा रही हैं उनमें कुछ बदलाव आया है या कुछ नए सवाल या कुछ नए प्रश्न हमारे सामने खड़े हुए हैं, तो ये सुनते हैं संपादकीय। सत्याग्रह आंदोलन में किसानों ने भी काफी हिस्सा बटाया है। कहीं कहीं तो उन्होंने अपना सर्वस्व स्वाहा करके इस यज्ञ की पूर्ति में अपने कर्तव्य का पालन किया है। उनकी धारणा थी कि इस राष्ट्रीय आंदोलन में योग देकर वे अपने चिर सहयोगी दारिद्र देव और आए दिन पड़ने वाली विपत्तियों से मुक्ति लाभ कर सकेंगे। उनका यह विश्वास भी दृढ़ हो चला था कि अब वे अपने बच्चों को पेट भर रोटी और अपने शरीर ढकने को वस्त्र पर्याप्त रूप में प्राप्त कर सकेंगे। किंतु गांधी इरविन समझौते के बाद से उनका यह सुख स्वप्न भंग हो गया। खाद्य पदार्थों की मंदी हो जाने से उनके दिलों में भावी आशंका के भाव उदय ही हो चले थे। बस समझौते के पश्चात जब महात्मा जी ने किसानों से लगान अदा करने की अपील की तो उन पर मानो विपत्ति का पहाड़ फट पड़ा। खेती की उपज पर बहुत दिनों से शनिश्चर देव की दृष्टि है। हिरण्य राक्षस के जंगल में अपनी दरिद्रता के कारण वे बहुत समय से फंस चुके हैं। महाजन की सूद सुरसा से उन्हें कभी छुटकारा ही नहीं मिलता। जमींदारों के बेगार और जुल्म ने उन्हें जर्जरित कर दिया है। इधर लगान का तकाजा और उधर बाजार में गले लगाने पर भी कोई नहीं पूछता। किसानों को भी ध्यान आया कि द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ा हुआ यह लगान कैसे अदा किया जाए। घर का सारा गल्ला और तंबा तोमड़ी बेचने पर भी तो उस रकम की पूर्ति नहीं होती। फिर बेचारे किसान की दीना स्त्री और गरीब बच्चा अपना पेट कहाँ गिरवी रखावेंगे, और उसके पास भी तो अपना पेट है, उसमें भी तो कुछ मोटा झोटा डालना ही पड़ेगा। सच पूछिए तो समस्या ऐसी बेढक आ पड़ी है कि महात्मा गांधी भी अपने दिल ही में जानते होंगे। लेकिन अब किसान भी लाचार है और नेता भी बेबस हैं। गवर्नमेंट ने जो छूट दी है उससे किसानों को कोई ऐसी सहायता नहीं मिलती कि वे सरलता पूर्वक अपना भावी उद्योग रक्षण और कौटुंबिक भरण पोषण की समस्याएं सुलझा सके। सब कुछ भेंट चढ़ाकर यदि किसी तरह लगान अदा कर भी दें तो खुद बाल बच्चों सहित एकादशी का व्रत धारण करें, फिर महाजन के सूद से कैसे निपटेंगे? आगे के लिए खेती बारी किस आशा से करें? कहना यह पड़ता है कि आज हमारे अन्नदाता किसानों की ऐसी संकटापन्न परिस्थिति है जिसका बयान करना बड़ा कठिन है। उस स्थिति का हृदय में स्मरण आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन पर ईश्वर का प्रकोप है और नामधारी रक्षकों का भी। इधर प्रांतीय सरकारों ने समझौते की शर्तों का जैसा कुछ पालन किया है उसकी स्थिति महात्मा गांधी स्वयं स्पष्ट कर चुके हैं। लगान वसूलियाबी के लिए अधिकारियों और जमींदारों द्वारा सख्तियां की जा रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जमींदारों की अवस्था भी उस गुड़ भरे हंसिया की तरह हो रही है, जो न तो उगला ही जा सकता है और न जिसके निगलने से ही काम बन सकता है। इस समय जमींदारों का यह कर्तव्य है कि वे सच्चे दिल से संगठित होकर गवर्नमेंट के सामने अपनी कठिनाइयों को रखें, किसानों की लाचारियों का दिग्दर्शन कराएं और गवर्नमेंट पर उचित सहायता देने के लिए जोर डालें। प्रांतीय सरकारों का भी यह कर्तव्य है कि वह वस्तु स्थिति को समझने का प्रयत्न करें और राज्य के मुख्य स्तंभ किसानों को मिटने देने के बजाय उनके अस्तित्व को सुदृढ़ बनाने, उनके कष्टों को दूर करने के उपायों का अवलंबन करें।
उनके इस प्रयत्न में देश के नेतागण भी उनका साथ देंगे। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, किसान ही भारत के सच्चे नागरिक हैं। उनकी बहबूदी और बर्बादी पर देश और गवर्नमेंट की उन्नति तथा अवनति निर्भर है। यदि किसानों की अवस्था सुधारने में अवहेलना से काम लिया गया तो राष्ट्र का भविष्य चिंताजनक होगा और गवर्नमेंट की आर्थिक नींव एकदम कमजोर हो जाएगी। देश के नेताओं का प्रधान कर्तव्य यह है कि सबसे प्रथम वह किसानों के संकट दूर करने का प्रयत्न करें, अन्यथा उनके स्वराज शब्द का कोई मूल्य न होगा। और यदि किसानों के लिए स्वराज न प्राप्त किया जाता हो तो ऐसे स्वराज का न मिलना ही श्रेयस्कर होगा। दोस्तों, ये रही सब बात की टिप्पणी। दोस्तों, जब इस टिप्पणी को आज किसानों के संदर्भ में आप जोड़कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसान हमारे कितने खुशहाल हुए हैं, उनकी स्थितियां कितनी बेहतर हुई हैं या और बदतर हुई हैं। जहां पर किसान लाखों में आत्महत्या कर चुके हैं और ये आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में इस निबंध के हवाले से, इस संपाद की टिप्पणी के हवाले से कम आने वाला जो हमारे सामने खतरा है उसको समझना चाहिए और इस बात को भी समझना चाहिए कि हम किसानों के बिना अपने देश की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारी बात आपको अच्छी लगी हो तो किताबी दुनिया के इस उपक्रम में हमारा सहयोग करें और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया।